राम कृष्णारी। मैं आज बबूल का पेड़ के जो आपको मुंह में स्वाद नहीं आना और ऐसी जो बातें हैं या कुछ तो आपको खाने में मन नहीं होता है, और वो जो मन जिस दिन आपका नहीं होता है समझ लो उस दिन आप उसका जो साल है ऊपर का साल या गीला होना चाहिए साल को, थोड़ा सा ऊपर का निकलना है। और जैसे 3 इंच का कंडी निकाल के वो कैसे, मैं आज पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वो प्रैक्टिकल जैसे आप उसका ऐसा ऐसा चबा के और उसका साल जो है वो ऐसा थोड़ा चबा के फिर आप उसका अंदर जाएगा तो आपको ऑलरेडी जो हमारे इधर बोलते हैं उसको मुँह में चेव नहीं, कुछ खाने में मन नहीं होता है, ये जो ऐसी जो बातें हैं तो ये बहुत आपको काम में आएगा। जैसे ये भूतालाब नहीं आ रहा खाने का, भूतालाब पर जैसी कौन सी बीमारी रहेंगे लोग उस बीमारी के लिए जैसे आपको 8-10 पौधे ऑलरेडी 8-10 उपचार आपके लिए पौधे में से लाया है ये रचनार कागर की रचना जो है उसने लाया है, लेकिन आप उसके कभी फायदा नहीं उठाते। और ये जो आयुर्वेद जी की जो चिकित्सा पद्धत है वो ऑलरेडी 2 नंबर की है, योग प्राणायाम है 1 नंबर, और जो झाड़ पौधे जो है अलग अलग झाड़ पौधे वो है 2 नंबर। आयुर्वेद बोलते हैं आप अरे एक्यूप्रेशर, जैसे उसको एक्यूप्रेशर करना है उसको प्रेशर करके जैसे वो है 3 नंबर की उपचार पद्धति। जैसे ऐसी ये भूतालाब पर 72 चिकित्सा पद्धति है। और आप कुछ भी जैसे आप हो गया जैसे आप ये जाते हैं लगेज डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जैसे होम्योपैथी और एलोपैथी ये बहुत उसका नीचे क्रम है, उसका क्रम बहुत ही नीचे है। लेकिन ये जो चिकित्सा पद्धति है मैं क्या बोलता हूँ ये ऑलरेडी 0 बजट पद्धति है। ये 0 बजट की पद्धति आदमी क्यों नहीं करता, ये बबूल का पेड़ है इसलिए बबूल का पेड़ के मैं नीचे लाया हूँ और मेरे घर के नज़दीक है। और ये बबूल का पेड़ वैसे मैं पहले ही डंडी निकाल के रखा है जो गीला होना चाहिए, ये कहाँ से निकला है और ये यहाँ से मैं ये डंडी ऑलरेडी देखो उसके लिए मैं कातर लाया है, ये कैंची और उसके लिए जैसे 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 जमेगा उसके, और ये चाकू भी लाया था और ये जैसे पकड़ भी लाया, लेकिन ये पकड़ से ठीक से मेरे को निकल पहले जैसे पकड़ से ट्राई किया तो पकड़ से ठीक से निकला, देखो यहाँ से निकला है मैं आप भी निकला है गीला है ये डंडी यहाँ से मैं निकला हूँ। और उसके आगे ये ब्रांच था ये देखो गीला है उसका पत्ता जो है वो गीला है, वो कांटे के तार के ये बाजू इधर कुछ कांटे नहीं थी इसीलिए वो इधर से निकला मैं। तो आप इसको क्या करते हैं ऐसा चबा चबा के उसको ये कर सकते हैं। और जैसे आपका संडे है या छुट्टी का दिन है आपके, लेकिन हफ्ते में 2 बार ये ऐसा इसे आपने ऐसा ऐसा ब्रश किया तो एकदम अच्छा है। ब्रश जैसे हर दिन जैसे आप जो टूथपेस्ट लाता है उससे करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। हर दिन जैसे आप लीम का डंडी है लीम कड़वा लीम जो है कड़वा लीम दिखाई जो कड़वा लीम है और ये बबूल का पेड़ है, ये बबूल के पेड़ से हर दिन जैसे इससे आप ब्रश कर सकते हैं बहुत फायदेमंद होगा आपको ये इससे। इसलिए बबूल का पेड़ का मैं देखा क्योंकि आपको दिखाया क्योंकि बबूल का पेड़ को आपको स्वाद आ जाएगा आपके मुंह में स्वाद आएगा और जैसे आप बहुत दूसरी बीमारी का भूल जाएंगे। और मिलेंगे ऐसी वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिए और सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट नहीं हो रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए नहीं ज़्यादा से शेयर करिए तभी मेरे को थोड़ा और खुशी होगी। मिलेंगे ऐसी वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब।